हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर केंद्रीय मंत्री और राजस्थान में भाजपा के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपनी हार से बौखलाई हुई कांग्रेस के नेता सांप्रदायिकता और जातिवाद फैलाकर माहौल खराब कर रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायत कर पार्टी के मान्यता रद्द करने की मांग की जाएगी। वे शुक्रवार सुबह जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सीपी जोशी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा नेत्री उमा भारती और साध्वी रितम भरा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि धर्म का ज्ञान सिर्फ पंडितों को होता है और इन नेताओं ने धर्म को अपना राजनीतिक हथियार बनाकर रखा हुआ है। इस बयान की उन्होंने निंदा करते हुए कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में जातिवाद, ऊंच नीच और हीन भावना से ग्रसित होकर बयान दे रही है, जिसका भाजपा और समझदार जनता निंदा करती है। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल में कहा कि राम मंदिर बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जनवरी में आने वाले फैसले के बाद भव्य राम मंदिर बनाने की योजना को भाजपा क्रियान्वित करेगी। युवकों ने सुसाइड किया और उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि आपकी सरकार कहती है कि हमें रोजगार खूब दिया, इससे आप क्या करें? ऐसा है, रोजगार बहुत दिया है, लेकिन जो भी आत्महत्या की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो काहे कारण हुई है उसकी जांच पुलिस करेगी, शायद आज उसका खुलासा स्पष्टीकरण आएगा, उसके बाद बोलना ठीक है। कोई भी जिंदगी गवाता है, लेकिन मैं नहीं मानता उसका रोजगार का मुद्दा था, इसमें क्या क्या मुद्दे हैं वो सब आएगा सामने, लेकिन रोजगार हमने दिया है। हमने चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस आ जाए मैदान में और खुले मंच पर, एक मंच पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि हमने कितना रोजगार का सृजन किया और कांग्रेस ने कितना नहीं किया। 2008 और 13 में कांग्रेस ने क्या किया और 13 और 18 में भाजपा ने क्या किया, ये हम चर्चा करके सही साबित करने को तैयार है कि कितने बड़े संख्या में रोजगार पैदा हुए। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।